नमस्ते, आज हम चीनी फेरी वाला महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध करेंगे। पहले लेखिका का परिचय करा लें। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से शुरू की। 9-10 साल की उम्र में ही उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद कुछ साल पढ़ाई छोड़कर उसके बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखते हुए 1929 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि, उसके बाद उसी विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। हिंदी के माध्यम से नारी शिक्षा प्रसार हेतु प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना उन्होंने की और उसके बाद प्रधानाचार्य का पद उन्होंने ही संभाला। सन 1933 ईस्वी में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी भेंट हुई और मीरा को महादेवी वर्मा अपना आदर्श मानती है, इसीलिए महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। 1944 ईस्वी में उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना की। 1956 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान उन्हें दिया गया, लेकिन भारत सरकार की हिंदी नीति के विरोध में उन्होंने उस पदवी को लौटाया। विक्रम महाविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और नैनीताल से उन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। उनका निधन 11 सितंबर 1987 में हुई। उनकी अन्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा आदि। चीनी फेरी वाला उनकी एक प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध में कवयित्री के रूप में महादेवी वर्मा की जो प्रसिद्धि है वही चित्रकार, गद्यकार और उससे भी ऊपर एक सहृदय मनुष्य के रूप में उनकी प्रसिद्धि उजागर हुई है। महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखाचित्र उनकी इस प्रसिद्धि के उदाहरण हैं। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं इस दृष्टि में पठनीय हैं। चीनी फेरी वाला निबंध में एक जन्म से दुखियारा, मात्र पितृ विहीन और अपनी एकमात्र बहन से बिछड़े हुए चीनी का वर्णन उन्होंने किया है, जो बहुत ही अद्भुत है। उनके रचना कौशल के लिए चीनी फेरी वाला बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। एक चीनी की अत्यंत कारुणिक गाथा इस निबंध में वर्णित है। जन्म लेते ही माँ की मृत्यु हो जाती है, पिता और बहन के सहारे वह बड़ा होता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद पिता की भी मृत्यु हो जाती है। जन्मते ही पिता और 7 वर्ष की बहन के सहारे छोड़कर माँ की मृत्यु हो जाती है। पिता दूसरा विवाह कर घर में सौतेली माँ को ले आते हैं। 5 साल के पश्चात पिता की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों बच्चों पर सौतेली माँ अपना अधिकार चलाती है। चीनी भाषा न जानने पर भी महादेवी वर्मा जी उनकी भावनाओं को समझ पाती हैं। पिता की मृत्यु के बाद चीनी फेरी वाला का एकमात्र आधार उसकी बहन थी। सौतेली माँ का अत्याचार भाई बहन पर बढ़ता जाता है। पैसे कमाने और पैसे के लालच में सौतेली माँ उसकी बहन को वेश्यावृत्ति में लगाती है। एक दिन उसकी बहन रात को बाहर जाती है, वापस नहीं आती, तो यह छोटा बालक अथवा चीनी समझ नहीं पाता है कि हर रोज बहन बाहर क्यों जाती है, इसका कारण क्या है। सज धज कर बहन को सौतेली माँ बाहर ले जाती है। कुछ घंटों के बाद बहन वापस आती है और सौतेली माँ उसके हाथ से बटुआ छीन लेती है। ऐसी बहन एक रात बाहर जाती है तो वापस नहीं आती। अगले दिन सौतेली माँ चिंतित नजर आती है। पता चलता है कि बहन का लापता, बहन कहीं चली गई, वापस नहीं आई, तो चीनी क्या करता है, उसे ढूंढते हुए जाता है, लेकिन वह मिलती नहीं। इसी प्रकार ढूंढते हुए चीनी जाता है, एक गिरहगट अथवा चोरों के हाथ पड़ जाता है और वे उससे कसरत करवाते हैं,
कुत्तों की तरह उसे जीना पड़ता है। एक बिल्ली के साथ उसे बचा हुआ खाना दिया जाता है जो खाने के लिए वह मजबूर होता है। ऐसे मजबूर चीनी एक बार एक व्यापारी के हाथ पड़ जाता है जो उसके पिता के मित्र थे, तो वे उसे वहाँ से वापस लाकर अपने दुकान में नौकरी देते हैं। तो वहाँ ईमानदारी से यह चीनी अपना काम करता जाता है और मालिक का विश्वास पात्र बनता है। इसी कारण उसे बर्मा और भारत भेजा जाता है। तो कपड़े लिए वह बर्मा जाता है, उसके बाद भारत भी आता है। तो इसी संदर्भ में उसकी मुलाकात महादेवी वर्मा से होती है और महादेवी वर्मा को यह चीनी अपना बहन मानता है, क्योंकि उसकी बहन जो थी घर से चली गई थी, उसका कुछ पता नहीं। लेकिन चीनी के जीने का एक ही उद्देश्य था, वह एक ईमानदारी से जीवन बिताना और दूसरा बहन की खोज करना। तो बहन के तलाश करता रहा, लेकिन बहन का कुछ पता नहीं चलता है। तो इस निष्कर्ष पर आता है कि बहन को ढूंढना व्यर्थ है, उसे कहीं भेज दिया गया होगा तो वह वापस मिलेगी नहीं। एक दिन चीनी को पता चलता है कि चीन में युद्ध होने वाला है, उसे बुलावा आया है। तो वह महादेवी वर्मा से आकर कहता है कि मुझे वापस चीन जाना है, बुलावा आया है। तो महादेवी वर्मा पूछती है कि तुम्हारा वहाँ तो कोई है नहीं, फिर बुलावा किसने भेजा। चीनी की आंखें विस्मय से भरकर पूरी खुल गई और वह कहता है, हम कब बोला हमारा चाइना नहीं है, हम कब ऐसा बोला सिस्टर। इतने कठिन जीवन यापन और निराश्रित जीवन व्यवस्था में भी अपने देश के प्रति यह प्रेम सचमुच में हमारे लिए सीखने की चीज़ है। तो चीन से दूर रहकर भी देश के प्रति उसका जो अभिमान रहा, यह हमें सीखना चाहिए। इससे हम सीख सकते हैं कि देश से बाहर ही क्यों न हो, बहुत दूर ही क्यों न हो, देश के प्रति जो भक्ति है, जो अभिमान है, यह सदा रहता है। धन्यवाद।